हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटरी लॉ, जो कि हमारे पास एक शॉर्टेस्ट वे है किसी भी क्लोज्ड लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। इसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से हम विद इन 3 और 4 लाइंस हम किसी भी टिपिकल क्वेश्चंस का भी आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले हम इसका कुछ ज्योमेट्रिकल कंडक्टर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एम्पियर सर्किटरी लॉ। एम्पियर सर्किटरी लॉ क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड it states that the line integral of magnetic field over a closed loop in free space is equal to म्यू नॉट टाइम्स दैट इज परमिएबिलिटी। म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय इट। कहने का मतलब यह है कि इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय इट। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दूं किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो वो हमेशा इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। ओके, इसको ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक क्लोज्ड लूप है और इस क्लोज्ड लूप के अंदर से एक करंट जा रहा है I1 और एक करंट जा रहा है इस साइड में दैट इज I2। तो इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ B.dl मस्ट बी इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। I1 - I2 क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज एक का डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो दूसरे का डायरेक्शन क्या है हमारे पास? नेगेटिव है। ओके, सो हम इसको ये अज्यूम करते हुए चलेंगे। अब हम बात करेंगे इसका प्रूफ के बारे में कि ये किस प्रकार से हमारे पास जो B.dl है, .dl और यहां पे जो हमने सर्कल लगाया इसका मतलब क्लोज्ड लूप। ओके, क्लोज्ड लूप B.dl वो हमेशा इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। ओके, इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं प्रूफ के साथ, देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। इसको एक बार नोट करें। हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है दैट इज AB, ठीक है, और इस करंट कैरिंग वायर से हम एक पॉइंट मानते हैं जो कि r डिस्टेंस पर है और हम चाहते हैं इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओके, तो इसके लिए एम्पियर सर्किटरी लॉ क्या कहता है? नंबर फर्स्ट स्टेप, draw an एम्पीरियन लूप। यहां पर हमें सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात आती है एम्पीरियन लूप होता क्या है। एम्पीरियन लूप एक तरह का इमेजनरी सर्कल होता है, या कह सकते हैं कि इमेजनरी लूप होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में, अराउंड में, और उसको हम जब ड्रॉ करते हैं
उसके इन बिटवीन जो भी करंट आएगा वो हमारा कहलाता है एम्पीरियन लूप। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर दैट इज AB, वी कैन राइट B इज इक्वल टू स्ट्रेट वायर है। सो B का वैल्यू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 pi I 2 I divided by R। ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ओके, किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर। अब यूजिंग एम्पियर्स लॉ वी कैन से द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। सो हम यहां से क्या करते हैं, टेकिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज क्लोज इंटरवेल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बी का वैल्यू हमारे पास ये रहा म्यू नॉट 2 I divided by 4 pi R इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्लोज इंटरवेल। अब देखो ये डी एल क्या है, ये हमारे पास वो लेंथ है जो इस मैग्नेटिक फील्ड को इनक्लोज्ड किए हुए है। अगर ये इनक्लोज्ड किए हुए ये डिस्टेंस कितना है R, तो हमने R रेडियस का एक सर्कल इमेजिनरी ड्रॉ कर दिया, तो इसका लेंथ कितना होता है L इज इक्वल टू दैट इज 2 pi R। सो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 pi R, 2 से 2 कैंसिल हो, 4 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई dl का वैल्यू हमारे पास है 2 pi R, इससे ये कैंसिल, ये आता है म्यू नॉट I। सो वी कैन से क्लोज इंटरवेल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और यही हमारा था एम्पीयर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जो फॉर्मूला है क्या ये आर्बिट्रेरी लूप के लिए भी वैलिड है, ये चीज हम वेरीफाई देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी कुछ लिमिटेशंस के बारे में हम बातचीत करते हैं। सो सबसे पहले इसकी जो लिमिटेशन आती है वो ये होती है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, ये हमारे पास यूनिवर्सल लॉ नहीं है, मतलब हम इसको जहां मर्जी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये हमेशा वहां लगता है जहां पे लूप क्लोज्ड होता है। ओके, सेकंड आता है कि इट डील्स विद ओनली स्टेडी करंट, ये सिर्फ वहां एप्लीकेबल होता है जहां पे करंट हमारा स्टेडी होता है। और थर्ड पॉइंट आता है, इट इज इंडिपेंडेंट टू शेप एंड साइज, जैसा कि हमने देखा बी डॉट डी एल क्लोज इंटरवेल इज इक्वल टू मीनो टाइम्स टू द टोटल करंट, इसमें हमारे पास शेप साइज इन दोनों का कहीं पे भी यहां पे डिस्कस हमने नहीं किया है। सो ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा शेप और साइज से। ओके, इसी का हमने एक एग्जांपल पहले भी देखा था, अगर ये क्लोज लूप है कुछ करंट यहां जा रहा है और बाकी का करंट अगर मान लो आई वन यहां है आई टू है, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन वी कैन ऑलरेडी सीन क्लोज इंटरवेल बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स टू द आई वन माइनस आई टू, यूजिंग साइन कन्वेंशन लिखा है। सो ये शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं, अभी अगर ये जो लूप है हमारा ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं हो और ये कुछ आर्बिट्रेरी लूप बना रहा हो,
देन एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है, इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड लूप। तो जरूरी तो नहीं है कि वो क्लोज लूप हमारा रेगुलर हो, रेगुलर मतलब सर्कल, ओके। अगर वो आर्बिट्रेरी होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या वहां पे भी हम एप्लीकेबल कर पाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ को, देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं सेम, ये हमारे पास एक वायर और इसके अंदर करंट है आई, ठीक है। इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह का है, आर्बिट्रेरी, ओके। हमने माना ये डिस्टेंस और ये पोजिशन वेक्टर आर वन, और ये एंगल बनाता है यहां डी थीटा वन, ओके। सिमिलर वे में ये हमारे पास लेंथ है डी एल वन, ये हमारे पास डी एल टू, और यहां पे एंगल है डी थीटा टू, और इस तरह से करते करते हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल कंप्लीट होता है। सो वी कैन राइट फॉर आर्बिट्रेरी लूप d theta 1 plus d theta 2 plus d theta 3 up to d theta n will be equal to d theta n will be equal to 2 pi, okay, summation of इन सभी का अगर मैं summation करूंगा तो कितना मिलेगा हमें, 2 pi के equivalent होगा, ठीक है। same process for d theta 1, angle जो होता है वो हमारे पास होता है डी एल वन अपॉन में आर वन। सिमिलर वे में डी थीटा टू होगा आर्क डी एल टू और रेडियस आर टू, ओके। अगर हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बी वन इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके यहां क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट फोर पाई इंटू टू आई डिवाइडेड बाई आर वन। बी टू हमारे पास होगा म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई डिवाइडेड बाई आर टू, और इस तरह से हमारे पास जितने भी एलिमेंट सेगमेंट होंगे डी एल वन एल टू एल थ्री एफ टू एल एन सभी का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्लोज इंटरवल b डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल b1 dl1 b2 dl2 b3 dl3 और अप टू क्लोज इंटरवल bn dln, ओके। यानी जो अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो हमारे जो एंगल्स हैं वो लेंथ एलिमेंट भी इसी साइड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इसी साइड में जाएगा इनवर्ड में, सो यहां पे एंगल रहेगा जीरो और कॉस जीरो होता है वन, सो यहां पे सभी के पैरामीटर्स यही रहेंगे, ठीक है। तो यहां से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक मिनट प्लस इंटरवल बी एन डी एल एन, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल, बी वन डी एल वन, बी वन हमारा कितना है इंटीग्रेशन बी वन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर वन और इंटू में डी एल वन इंटू में डी एल वन प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई आर टू इंटू डी एल टू, और ये चलता जाएगा इंटीग्रेशन अप टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एन डी एल एन, ओके। हमें यहां से दिखाई दे रहा है b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, अगर हम बाहर ले कॉमन तो सभी का इंटीग्रेशन बन रहा है डी एल वन बाई आर वन, डी एल वन बाई आर वन प्लस यहां से आता है डी एल टू बाई आर टू,
और करते करते आएगा डी एल एन अपॉन आर एन. ओके, सो ये रिजल्ट हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई इन टू डी एल वन बाय आर वन, डी एल वन बाय आर वन डी थीटा वन डी थीटा टू और डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू अप टू डी थीटा एन. और ये मिला क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई डिवाइड बाय टू पाई इन टू, इसका इंटीग्रेशन भी था. और ये सारा हमारे पास कितना आता है डी थीटा एन, इंटीग्रेशन डी थीटा. और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा हमारे पास आएगा म्यू नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा टू पाई होगा सभी का, तो ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई इनटू टू पाई, इससे ये कैंसिल. तो रिजल्ट मिला हमें क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट. कहने का मतलब यहां से ये है कि हमारे पास चाहे क्लोज्ड लूप रेगुलर हो इररेगुलर हो मतलब आर्बिट्रेरी हो, दोनों ही केसेस में एम्पियर सर्किटल लॉ ओबे होगा. क्लियर? अब हम बात करते हैं अगर ये फ्री स्पेस ना हो, मतलब जैसे मैंने डेफिनेशन में बोला भी है कि वी हैव ए क्लोज्ड लूप इन द फ्री स्पेस, बट अगर हम स्पेस को चेंज करें और वहां पे अगर हम मीडियम इंसर्ट करें देन हमारे पास क्या चेंजमेंट होगा, सिर्फ जो चेंजमेंट होना है वो हमारे फॉर्मूले में होना है और वो चेंजमेंट होगा क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल म्यू नॉट की जगह पे आएगा अब म्यू एम और ये मिलेगा हमें क्लोज इंटरवल बी डॉट डी एल म्यू एम की जगह पे हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई, ये हमारे पास आ जाएगा अब एक्सप्रेशन. ठीक है, ये था हमारे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ.